Viva Tech Party with Ayush. Hey guys, welcome back to one more episode of Fever Tech Panthi. ये भाई दिसंबर तो खत्म होने को आया है ना, बस ये दो हफ्ते बाकी बचे हैं और उसके बाद में एक नया साल शुरू हो जाएगा जहां पर आपकी डायरी के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा 2-3। पर देखो कितना सही जमाना आ गया है कि आपका फोन ऑटोमेटिकली साल अपने आप ही बदल देता है। देर वॉज अ टाइम जहां पर हमको स्कूल के अंदर इतनी डांट पड़ती थी क्योंकि साल बदलता था और हम पुरानी डेट्स लिखा करते थे। बट नाउ दिस इज नॉट एन इश्यू। साथ ही साथ नए साल के अंदर सैमसंग लेके आएगी अपनी बेहतरीन सीरीज के फोन नहीं निकाल रहा हूं मैं तो पहले बोल रहा था कि गाइज आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट सैमसंग्स लॉन्चेस। हाँ, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा जो मुझे सुनने में आया है, जो लीक्स हो रहे हैं और जो उसके S23 और S23 प्लस के जो लीक्स हैं, यू शुड डेफिनेटली चेक देम आउट। जैसे कि टेक रेडार करके एक वेबसाइट है जिसने ऐसा कहा कि जो सैमसंग गैलेक्सी S23 है उसके अंदर आएगा एक 200 मेगापिक्सल का कैमरा। इतने सारे मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, ये उतना ही है जितना आपका खर्चा होता है व्हेन यू टेक योर गर्लफ्रेंड आउट ऑन अ डेट। आई नो। और इस फोन को खरीदने के लिए भी काफी खर्चा होगा, बट डू यू नो समथिंग विच इज वेरी 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 नाइस, अभी नहीं बताऊंगा। तो सभी बता दिया तो फिर आप बोलोगे ये क्या सरप्राइज आपने एकदम इंस्टेंटली खोल दिया। क्लाइमैक्स के बाद मिलेंगे, अभी चलते हैं टेक्निकल गुरुजी के हेडक्वार्टर और वहां पर मिलते हैं गौरव चौधरी के साथ में और करते हैं कुछ प्यारी बातें। दिस इज द बेस्ट ऑफ टेक्निकल गुरुजी ऑन फीवर टेक पंथी। एक और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। अब आप सोचिए कि मैं बात कर रहा हूं पर मेरी जगह पर आप कोई ऐसे इंसान को देखें जिसकी शक्ल मेरे से मिलती हो, जिसके फीचर्स मेरे से मिलते हो, जिसकी आवाज मेरे से मिलती हो, पर वो मैं ना हूं, तो क्या आप मुझसे इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे या नहीं? और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए आज मैं आया हूं TGHQ। मुलाकात हो रही है गौरव चौधरी के साथ में। टेक्निकल गुरु जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू आयुष। कहीं आपको इधर मुंह करो और मेरी जगह में हम सुपर इम्पोज तो कर ही सकते हैं, ये VFX वाली चीजें कर सकते हैं। आज तो शाहरुख खान भी कर रहे हैं अपनी नई मूवी के अंदर, इतना भर भर के VFX डाला हुआ है। आपने एक बात बोली कि देखो और सोचो कि अगर मैं नहीं, मर्जी वो दूसरा इंसान बैठा है। जी इंसान नहीं, कार्टून बैठा है। बिल्कुल कॉमिक कैरेक्टर वाली बात हो गई ना, थोड़ा एक सिंपल इंसान का जो फेस स्वैप हुआ है ये पता नहीं क्या चल रहा है। ये एवेटार की बात कर रहे हैं आज, जेम्स कैमरून की मूवी एवेटार पार्ट 2 नहीं, एवेटार्स जो मेटावर्स, जो मेटा कंपनी है उनका एक बेट है जिसके ऊपर गूगल ने रिसेंटली $100 मिलियन की एक कंपनी खरीदी है कि हम है ना कम्पीट करना चाहते हैं। यानी कि ये बड़ी बड़ी टेक कंपनीज मानती है दैट दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, बट हाउ सस्टेनेबल इज इट? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर तो नहीं मान रहे, कंपनी भले मान रही हो। भाई इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, मतलब भगवान करे कि सभी में जो है वो कॉन्फिडेंस है भर भर के जुकरबर्ग जैसा। बिल्कुल, बिकॉज अगर किसी की कंपनी के शेयर पिछले 8-10 महीनों में 75% गिर गए हो जी, तो भाई हिम्मत लगती है कुछ नया करने की। सही में तो still trying, Facebook is still trying, you know, Meta, of course, like, जवान भी Facebook जाता है, Meta वो भी गया। They are trying something new, they are, you know, making अलग-अलग concepts, Metaverse हो जाएगा भैया, सारा काम virtual हो जाएगा, meetings कर लो, business deals कर लो, conference कर लो, आपको लोग सामने दिखेंगे, पता नहीं बहुत कुछ हो रहा है। आई थिंक देर इज स्टिल नॉट कम्प्लीट क्लैरिटी कि कब क्या कैसे, इट्स स्टिल kind of, you know, आधा अधूरा सा चल रहा है जी। जब ये निंटेंडो वी की बात करते हैं, ये जब आया था तब उसके अंदर एक आपका एनिमेटेड कैरेक्टर आप बना सकते थे और उसके बाद में आप उसके साथ में टेनिस वगैरह खेल सकते थे, विच वॉज एक्चुअली फन क्योंकि उसके अंदर आप इमर्स हो जाते थे। फिर जब ओकुलस करके प्लेस्टेशन ने कहा कि हम ओकुलस के VR हेडसेट्स लेकर आ रहे हैं, तो आपको लगा कि चलो हम उसको और एक तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे, पर अब दिस इज गोइंग वे ओवरबोर्ड। दिस इज डेफिनेटली, मतलब आप इमेजिन करिए, अच्छा आप इमेजिन करिए, आज हमारे व्यूअर्स से सवाल करते हैं, आप इमेजिन करिए कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर है, आप सपोज करिए कि आप अपने सपनों की जो लड़की है या फिर लड़का है, आपका क्रश है, उसके सामने बैठे हैं, तो वुड यू वॉन्ट टू शो द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ और वुड यू वॉन्ट टू शो एन एनिमेटेड वर्जन ऑफ योर सेल्फ? क्या आप उसे ये बताना चाहेंगे कि आप असली में कौन है, या फिर आप बीच में अरे देखो मेरा एवेटार कितना कूल है, मैंने कितनी अच्छी टी शर्ट पहनी है इसके अंदर। मजे की बात कि वो जो बंदी है सामने उसका भी कहीं एवेटार ना आ जाए निकल के
हो सकता है अवतार अवतार का मैच हो गया आपस में, आप भी अकेले वो भी आप प्रिया समझ के गए, एंजल प्रिया निकली। क्या लगता है आपको, आई मीन इन योर रिव्यूज यू हैव सेड के इट्स अ गुड परफॉर्मेंस कैमरा, व्हाट डू यू थिंक के इससे? ऑनेस्टली बोलूं आयुष, पिछले कुछ टाइम में आई मीन इट इज द राइट टाइम फॉर गूगल टू शाइन दीज डिवाइसेज, एंड आई थिंक वो ये समझते हुए इनको इंडिया में लेके आए हैं, कंसिडरिंग पिक्सल 4a इंडिया में आया था जी, डेफिनेटली उसका एक जो है वो बेस बना था, ऑल्दो नंबर्स इतने ज्यादा नहीं हुए होंगे बट परफॉर्मेंस वॉज बेटर देन द प्रीवियस लॉन्चेस। अभी जब 6a भी गूगल ने निकाला तो 6a को लेके भी काफी लोगों में एक हाइप था, तो आई थिंक गूगल इज स्लोली एंड स्लोली रीचिंग देयर, एंड अभी इन फोन्स के साथ में मैं बात करता हूँ अगर तो यू नो देयर इज एटलीस्ट दिस नोशन इन द मार्केट दैट कैमरा पिक्सल का अच्छा होता है, ये एस्टैब्लिश हो रहा है और धीरे धीरे ज्यादा ही हो रहा है। अभी आई थिंक कि गूगल हैज अ फेयर चांस। एंड टॉकिंग अबाउट द टू वर्जन्स दैट देयर नाउ आउट विद, एक 7 है एक प्रो वर्जन है, व्हाट डू यू रिकमेंड टू अ यूजर के क्या करना चाहिए उन्होंने अगर पहली बार गूगल का कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं? गाइस 90% ऑफ द यूजर्स और मे बी 95% ऑफ द यूजर्स आर यू नो ऑल ओके एंड शुड बी ओके विद द गूगल पिक्सल 7 जी, क्योंकि 7 में जो आपको मिलती है यू नो 59999 का फोन आता है और जो आपको चीजें मिलती हैं 7 प्रो है 84999 का, 25,000 रुपए का फर्क है जी, आपको इतना ज्यादा मेजर जंप नहीं मिलेगा। तो इफ यू आर जस्ट ट्राइंग योर हैंड्स यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम विद अ गूगल पिक्सल स्मार्टफोन, आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप सीधा प्रो ही ले लो। 7 इज अ वेरी गुड फोन, ज्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है दोनों में, एंड यू शुड बी फाइन विद द 7 एंड ऑल द एंड्रॉइड फैनबॉयज, मतलब जिनको ऐसा है कि मुझे प्रॉब्लम है, मतलब एप्पल अच्छी कंपनी है नो डाउट पर मुझे नहीं लेना एप्पल, उन्होंने माइंडसेट ये बना के रखा हुआ है कि मेरे को एप्पल लेना ही नहीं है, फॉर देम यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट द गूगल पिक्सल 7। टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर, गूगल इतने अच्छे एडवांसमेंट्स लेके आता है, इतनी अच्छी चीजें लेके आता है, बट क्या वो अपने अभी जो वॉच निकाला है उन्होंने, उनका खुद का टैब आ रहा है, सो डू यू थिंक दैट दे विल बी एबल टू मेक सर्टन इकोलॉजी जैसा एप्पल ने अभी क्रिएट कर लिया है पूरा? See, हो सकता है विद इन गूगल डिवाइसेस बना ले, बट द प्रॉब्लम विद एंड्रॉइड आयुष इज द फ्रेगमेंटेशन। आज अगर हम बात करते हैं एप्पल की ना, तो ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस जो है मेजॉरिटी मार्केट में वो iOS 15 पे चल रहे हैं और काफी सारे ने 16 पे अपग्रेड कर लिया है विद इन अ वीक और 10 डेज ऑफ लॉन्च। तो जो अडेप्टेशन है, जो इंस्टेंट यू नो अवेलेबिलिटी है लेटेस्ट OS की, वो एकदम मतलब फ्लैगशिप लेवल का है अपना जो परफॉर्मेंस है एप्पल की। एंड्रॉइड में आज भी कई लोग हैं जो एंड्रॉइड 10 चला रहे हैं, एंड्रॉइड 11 चला रहे हैं, 12 चला रहे हैं, पता नहीं अपडेट कब आएगा कब नहीं आएगा। तो हो सकता है गूगल एक इकोसिस्टम विद इन गूगल प्रोडक्ट्स अचीव कर ले, बट अगर हम बात करें कि एक रियलमी का फोन इज वेरी मच कंपैटिबल विद अ शाओमी का फोन, इज वेरी मच कंपैटिबल विद अ सैमसंग का फोन, विद अ गूगल का फोन, आई थिंक वो होने में तो काफी टाइम लगेगा। उम्मीद करते हैं कि हो जाए, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग ने अपना एक इकोसिस्टम बना रखा जी, तो इट्स अ गैलेक्सी इकोसिस्टम विच दे हैव फुल कंट्रोल ऑफ, यू नो ब्रांड्स आर ट्राइंग टू मेक देयर ओन वर्जंस ऑफ यू नो देयर ओन इकोसिस्टम रादर देन अ कंप्लीट ओपन इकोसिस्टम फॉर द एंड्रॉइड डिवाइसेस। तो एंड एंड्रॉइड हैज ऑलवेज केप्ट दिस के हमको हमारा सिस्टम ओपन ही रखना है, वी डोंट वांट सी इकोसिस्टम। सो एंड्रॉइड ने हमेशा से ऐसा रखा है कि उन्होंने अपना इकोसिस्टम ओपन रखा है, और उसकी वजह से शायद से अब वो रियलाइज कर रहे हैं, एप्पल की बुक में पढ़ के जाके देख रहे हैं कि नहीं यार ऐसे भी कर सकते हैं इस चीज को और बढ़िया कर सकते हैं। वेल व्हाट डू यू सजेस्ट, आज आप बताएं कि एंड्रॉइड को क्या करना चाहिए ऐसा जिससे उनका, और स्पेशली गूगल को क्या करना चाहिए कि लोगों के बीच में उसका जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़े एंड दे ब्रेक दिस 10 मिलियन बेंचमार्क। विद दिस क्वेश्चन वी एंड टुडेज एपिसोड, थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, थोड़ी लड़ाई करवाते हैं नीचे कमेंट्स। चलो बढ़िया है, थोड़ा सा जो है वो होता है, बताओ भाई एंड्रॉइड अच्छा है या फिर मतलब अपने अपने जो सारे क्या बोलते हैं उसको, जितने भी आपकी तरफ से बन सकते हैं ना स्टेटमेंट्स फेवर करने के लिए अपने यू नो फेवरेट OS को या फेवरेट स्मार्टफोन ब्रांड को, जो भी आज तो लड़ाई करते हैं आज कर हो जाए, ऐलान कर दिया है जंग का, जंग का ऐलान टीजी ने, और इसी जंग में आपको छोड़ते हुए जा रहे, अगले हफ्ते मुलाकात होगी इन द सेम शो, टिल देन टेकपंथी मचाते रहो। अच्छा दोस्त, वेलकम बैक, कैसा लगा ये कन्वर्सेशन? आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो पर एक लाइक तो आप प्रेस कर ही दो, इस वीडियो का टारगेट मैंने ज्यादा नहीं रखा है, सिर्फ 250 लाइक्स का है,
सिर्फ 250 लाइक्स। मेक श्योर दैट यू आर स्प्रेडिंग दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिनको टेक अपडेट्स और फिर सेफ रहना या फिर इंटरनेट पर कैसे बिहेव करना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा दिन मीम शेयर कर दिया और अपनी जिंदगी सेट है, ना ना ना, इंटरनेट इज मच मोर अबाउट इट। बाकी मैं बात कर रहा था S23 अल्ट्रा के कैमरा के बारे में। इसमें आएगा एक 200 मेगापिक्सल का कैमरा, पर जो सेंसर साइज है वो सेम रहने वाला है जो एप्पल आईफोन 14 प्रो के अंदर मिलता है। सेम सेंसर साइज मिलेगा आपको इस अल्ट्रा सीरीज के अंदर। पर क्या इसका फोटोग्राफी बेटर होगा एप्पल से? वेल, दिस इज फॉर ऑल द फैन बॉयज टू डिसाइड। साथ ही साथ जो डिजाइन के लीक्स आए हैं उसके अंदर कुछ ऐसा है कि जो पुराने वाले थे, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं S22 और S22 प्लस, इसके अंदर ये साइड में आप देख रहे हैं या ओवर हियर, ये हटाकर सेम S22 अल्ट्रा वाला डिजाइन पैटर्न ये लोग यहां पर फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट सीरीज एज पर द लीक्स। आपको कैसा लगा ये डिजाइन मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर। मैं हूं आयुष, मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इन द शो फीवर टेक पंथी। टिल देन टेक केयर और टेक पंथी मचाते रहो।